पेरिस ओलंपिक 2024 में अगले दो दिन के अंदर भारत दो गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगा। जी हां, आज का दिन यानी 6 अगस्त का दिन मिक्स रहा भारत के लिए। एक तरफ हालांकि भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से अपना मैच नहीं बचा पाई, 3-2 से हार गई, लेकिन अभी भी ब्रॉन्ज के लिए रेस जारी है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय टीम 8 तारीख को स्पेन के खिलाफ खेलेगी। टाइम अभी बाकी है, अभी भी ब्रॉन्ज मेडल बरकरार रह सकता है। वहीं भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने सेमीफाइनल मैच को जीत लिया है और फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में वो अमेरिकन पहलवान सारा के खिलाफ खेलेंगी और गोल्ड मेडल के लिए अभी चांसेस बरकरार हैं। वहीं नीरज चोपड़ा, जैसा कि पहले से हम सभी लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर है, उन्होंने आज क्वालिफाइंग राउंड में पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का किया और उसके बाद वो क्वालिफाई कर गए, क्योंकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उनसे कम दूरी का थ्रो कर पाए, इसलिए नीरज चोपड़ा को और ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यानी कि अगर पहले ही थ्रो में इस सीजन का बेस्ट थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा निश्चय रूप से गोल्ड मेडल के दावेदार हैं और गोल्ड मेडल एक बार फिर से जीत के आएंगे। और अगर इस बार गोल्ड मेडल वापस से जीतता है तो एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे नीरज चोपड़ा जिन्होंने बैक टू बैक दो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता हो इंडिविजुअली। जी हाँ, इससे पहले हॉकी के नाम है, हॉकी में भारतीय टीम बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीत चुकी है, लेकिन इंडिविजुअल गेम्स में किसी ने आज तक बैक टू बैक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। यानी कि अगले दो दिन के अंदर भारतीय टीम दो गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने वाली है। एक गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगे विनेश फोगाट कुश्ती में, एक गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगे नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में, और भारतीय हॉकी टीम खेलेगी ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन के खिलाफ थर्ड पोजीशन के लिए। तो ओलंपिक्स की बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं जल्द ही, नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।